गुड इवनिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट, मैं अमित त्रिपाठी। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वो पैरामेडिकल सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। इस पर हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी मेरे वीडियोस लगे हुए हैं, रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, उन सभी में मैंने बताया है इन्फ्लेमेशन क्या होता है और उसके साइन सिम्टम क्या हैं। यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस एक थोड़ा आउटलाइन बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर आप इन्फ्लेमेशन की बात करें तो मैंने एक स्लाइड यहाँ लगा रखी है इन्फ्लेमेशन से संबंधित। ये बिल्कुल आखिरी स्लाइड मैंने लगा रखा है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किसी व्यक्ति के पैर के अंगूठे में इन्फ्लेमेशन हो गया है। इन्फ्लेमेशन का इंग्लिश में जो साइन सिम्टम है वो, और लैटिन में जो उसका मीनिंग है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। साइन एंड सिम्टम इन्फ्लेमेशन का देखिए, इन्फ्लेमेशन जो होता है वो एक तरह का सिक्रीशन होता है। किसी भी अंग में, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो सबसे पहले उस ऑर्गन का जो नाम है उसी के आगे आइटिस लगाया जाता है। आइटिस, जैसे पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो तो पेनक्रियाटाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो तो प्रोस्टाइटिस, और हिपेटिक ग्लैंड में यानी कि लीवर में अगर इन्फ्लेमेशन हो तो हिपेटाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन जैसा मैंने बताया आइटिस इसे कहते हैं। इंग्लिश में साइन एंड सिम्टम है ये। इंग्लिश में हीट, लैटिन में होता है कैलोर। इन्फ्लेमेशन के ये पांच साइन सिम्टम होते हैं, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन। जब किसी ऑर्गन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट गर्म हो जाए, रेडनेस हो जाए, उसमें स्वेलिंग सूजन हो जाए, पेन हो और लॉस ऑफ इन फंक्शन, उसकी फिजियोलॉजी वाली फंक्शन जो है लॉस हो जाए, ऐसा कई कारणों से होता है। इसमें अल्कोहल है, ड्रग्स है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, कई कारणों से इन्फ्लेमेशन होता है। कारण उसके अलग हैं। ये इसके साइन एंड सिम्टम पाँच हैं इंग्लिश में। इसका लैटिन में मतलब होता है हीट का कैलोर, रेडनेस रुबोर, स्वेलिंग ट्यूमोर, पेन डोलोर और लॉस ऑफ फंक्शन फंक्टियोलाइसा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, इन्फ्लेमेशन हेपेटाइटिस। आप जैसा जानते हैं हेपेटाइटिस, इसका शाब्दिक अर्थ ही है इन्फ्लेमेशन, कहाँ, हेपेटाइटिस में, सॉरी हेपेटिक ग्लैंड में। जब हेपेटिक ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो तो उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। ओके, तो हम अपना टॉपिक आज अभी जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम सबसे पहले कंसंट्रेट हो जाएं। ये वीडियो लंबा है और इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है हेपेटाइटिस का? इसमें आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन डिफाइंड बाई द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर एंड कैरेक्टराइज्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है, हेपेटाइटिस इज अ मेडिकल कंडीशन। हेपेटाइटिस जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये चिकित्सा संबंधी परिस्थितियां हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन जैसा मैंने बताया इसके पांच लक्षण कौन से हैं, हीट है, स्वेलिंग है, लॉस ऑफ फंक्शन है, पेन है और
उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ओके, रेडनेस हो जाती है। ये पांच लक्षण होते हैं, इन्हें इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, जब लीवर में ये पांचों लक्षण पाए जाएं एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ओके, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन के टिश्यू के सेल में, ऑर्गन के टिश्यू के सेल में जब इन्फ्लामेशन के लक्षण पाए जाए लीवर के, तो वही होता है हेपेटाइटिस। ये दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है त्वरित, जल्दी। क्रोनिक का मतलब होता है प्रोलॉन्ग टाइम, मतलब कि लंबे समय तक। एक्यूट यहाँ पर लिखा गया है लेस देन सिक्स मंथ, जब छः महीने से कम समय में हेपेटाइटिस की शिकायत हो तो उसे एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। जब छः महीने से ज़्यादा समय से हेपेटाइटिस की शिकायत हो तो उसे क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के क्लासिफिकेशन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हेपेटाइटिस कई तरीके का होता है। एक होता है वायरल, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो ज़्यादातर केसेस में पाया जाता है। दूसरा है नॉन वायरल हेपेटाइटिस, जो कि लेस कॉमन है, ये ज़्यादातर केसेस में नहीं पाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस जो मोस्ट कॉमन है उसमें होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी। यानी कि हेपेटाइटिस के छः प्रकार हैं, ए बी सी डी ई और जी, ओके। इसी तरह नॉन वायरल हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो ये चार तरीके का जनरली होता है। पहला है टॉक्सिक एंड ड्रग इंड्यूस्ड, जो कि टॉक्सिक मतलब जहरीले पदार्थ के कारण या फिर ड्रग्स और औषधियों के कारण हो जाए, उसे हम कहते हैं टॉक्सिक एंड ड्रग इंड्यूस्ड। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। दूसरा है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक का मतलब है शराब के लंबे सेवन से, इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। थर्ड है ऑटो इम्यून और चौथा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ओके। अगली स्लाइड है, कुछ आउटलाइन दिया गया है इस डिजीज़ के बारे में इंटरनेशनल स्टडीज़ के बिहाव पर, वो क्या है। अबाउट 1 million पीपल डाई ईच ईयर फ्रॉम केस रिलेटेड टू वायरल हेपेटाइटिस। गाइस, आप जानते हैं कि वायरल और नॉन वायरल दो तरीके से हेपेटाइटिस होता है। तो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात हो रही है, 1 million, 1 million मतलब कि 10 लाख, तो 1 million गाइस, हम बात कर रहे थे 1 million की। 1 million बराबर 10 लाख होता है। अबाउट 1 million पीपल डाई ईच ईयर फ्रॉम केस काजेस रिलेटेड टू वायरल हेपेटाइटिस। जो वायरल हेपेटाइटिस बीमारियां हैं, ठीक है, जो वायरल हेपेटाइटिस बीमारियां हैं उसके कारण एक साल में तकरीबन 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को फिर से ध्यान से समझिए कि वायरल हेपेटाइटिस जो डिज़ीज़ है वो काज करती है नियर अबाउट 1 million डेथ्स, यानी कि 10 लाख लोगों की मौत। अगला है मोर देन 75% ऑफ सिरोसिस एंड हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज एट्रीब्यूटेबल टू हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन, ओके। इट मीन्स मोर देन 75% ऑफ सिरोसिस। देखिए, एक चीज समझ लीजिए अच्छी तरह से कि अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस होता है तो उसकी मौत कैसे होती है। उसकी मौत इसलिए होती है क्योंकि हेपेटाइटिस जब किसी को हो जाती है तो जब हम उसका अल्ट्रासाउंड जांच कराते हैं तब उसमें एक चीज़ आती है बार बार, फैटी लीवर। मतलब लीवर क्या है, लीवर में एक मोटापन आ गया है, एक भारीपन आ गया है।
और ऐसा होता है जो एक बीमारी डिजीज़ के कारण सिरोसिस ऑफ लीवर, जो कि आगे चलकर बनता है लीवर कैंसर। किसी को अगर हेपेटाइटिस होता है तो उसकी मौत इसलिए होती है क्योंकि वो हेपेटाइटिस आगे चलकर परिवर्तित हो जाता है सिरोसिस ऑफ लीवर डिजीज़ में, और फिर वो आगे चेंज होता है लीवर कैंसर में। और ये होता है वायरल, जब वायरल इन्फेक्शन हो और वायरल इन्फेक्शन के कारण हेपेटाइटिस हो तब। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि 75% जो हैं व्यक्ति, उनके अंदर क्या होता है सिरोसिस ऑफ लीवर और कार्सिनोमा कैंसर जो है उत्पन्न होता है, और ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन के कारण होता है जो कि वायरल है। अगला स्लाइड है हेपेटाइटिस ए। हम हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस ए इज एन एक्यूट इन्फेक्शस डिजीज ऑफ द लीवर कास्ट बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस HAV। गाइस, एक वायरस है जिसका नाम है HAV। HAV वायरस हेपेटाइटिस ए बीमारी को जन्म देता है। जैसे हमें पता है आजकल चला है कोरोना। कोरोना क्या है? कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना वायरस है, और उसके कारण जो बीमारी होती है उसका नाम है COVID-19। ओके, हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि बीमारी को हम कहेंगे COVID-19 बीमारी, और वायरस जो है वो कोरोना है। यहाँ पर कई सारे लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि कोरोना बीमारी है और COVID-19 वायरस का नाम दिया गया है। ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि WHO ने आज अभी तक कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तय नहीं किया है कोरोना वायरस और उससे रिलेटेड डिजीज़ का। तो कन्फ्यूजन यहाँ पर WHO ने पैदा कर रखा है कोरोना वायरस के बारे में, COVID-19 के बारे में, क्योंकि ये जो दोनों वर्ड हैं कोरोना और COVID-19, इसके बारे में ब्रीफली WHO ने कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किया है। तो लोग अपने अपने हिसाब से उसको उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो खैर, वो तो अलग चीज़ है, वायरस क्या है और बीमारी क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर ये बात करते हैं हेपेटाइटिस जो ए है बीमारी, वो हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है, HAV के कारण होता है। इसका जो दवा है वो आती है जो TB की दवा है। TB की चार दवाएं होती हैं, हम सभी को पता है, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड एंड इथेम्ब्यूटाल। तो इथेम्ब्यूटाल का जो फॉर्म है कम्बुटाल, वो 750 mg HAV वायरस, जब HAV वायरस के कारण हेपेटाइटिस ए हो जाए तब कम्बुटाल 750 mg की दवा दी जाती है। हालांकि एक बात अच्छी तरह आप समझ लें कि वायरस को ख़त्म करने का आज अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। अगर हम कोरोना की ही बात करें तो ये जो कोरोना वायरस है, COVID-19 जो बीमारी है, उसमें क्या होता है कि अगर किसी को ये हो गया तो इसका अभी तक कोई दवा नहीं है, क्योंकि ये वायरल बीमारी है। कोरोना एक वायरस है, इसको मारने की कोई दवा आज तक बनी नहीं है, अभी तक बनी नहीं है। हालांकि इस पर रिसर्च हो रहा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है, जिसे हम कहते हैं HCQL, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये कई रूप में आता है। इसको मलेरिया में दिया जाता है, एंटी मलेरियल ड्रग है। इसी तरह और भी बहुत सारी दवाओं पर रिसर्च हो रहा है, जैसे रेमडेसिविर है। रेमडेसिविर अमेरिकन वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया एक दवा है जिसका कि कोई खास सफलता नहीं मिली है वायरस को मारने के लिए। तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि वायरस को मारने की कोई दवा अभी तक आज तक बनी नहीं है। लोग एसाइक्लोवीर वगैरह देते हैं लेकिन वो भी सफिशियंट नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस अगर किसी को HAV के कारण किसी को हेपेटाइटिस ए हो गया तो उसकी दवा आती है कम्बुटाल 750 mg, लेकिन वो हम उसे कामयाब नहीं कह सकते। बहरहाल, वो बीमारी की दवा क्या कामयाब, बीमारी की दवा कामयाब है या नहीं है, हम ये हमारा विषय नहीं है कि किस बीमारी की कौन सी दवा आई है और वो कामयाब है या नहीं है। हमारा विषय है बीमारी के बारे में पढ़ना, न कि उसकी दवा के बारे में। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, हेपेटाइटिस ए जो है वो, ये बीमारी हेपेटाइटिस ए वायरस HAV के कारण होता है। इसकी खोज हुई थी 1973 में। अब यहाँ पर एक विवाद है कि ये अमेरिका में खोजा गया था, इंग्लैंड में या कनाडा में, क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा तीनों इस वायरस को, HAV वायरस को और इसके द्वारा होने वाली इस बीमारी को खोजने का श्रेय खुद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड या कनाडा, किसने इसकी खोज की है, इसके बारे में विवाद है। लेकिन ये तय है कि ये 1973 में से खोजा गया था।
गाइस आगे हम बात करते हैं ग्लोबली अराउंड 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन सिम्टोमेटिक केसेस आकर। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, वायरस से जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसके अंदर दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, एक होता है सिम्टमिक और दूसरा होता है एसिम्टमिक। एक होता है जिसमें कि लक्षण हो और दूसरा होता है एसिम्टमिक और सिम्टमिक दो होते हैं। सिम्टमिक वो होता है जिसमें कि सिम्टम्स दिखाई दें, एसिम्टमिक वो होता है जिसमें सिम्टम ना दिखाई दें। तो ये दो तरीके की कैटेगरी हो गई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लोबली अराउंड 1.5 मिलियन सिम्टोमेटिक केसेस ऑकर्स ईच ईयर विथ लाइकली टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इन्फेक्शंस इन ऑल। इट इज़ मोर कॉमन इन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विथ पुअर सैनिटेशन एंड नॉट एनफ सेफ वाटर। देखिए सैनिटाइजेशन, आपके पैरामेडिकल में एक डिप्लोमा आता है, एक साल का डिप्लोमा इन सैनिटाइजेशन टेक्नीशियन। हालांकि वो हमारे कॉलेज में भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ये एक कोर्स है, एक साल का डिप्लोमा इन सैनिटाइजेशन टेक्नीशियन। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे देश मतलब कि अफ्रीका के देश, एशिया के देश, ख़ास तौर पर ईस्ट एशिया के देश, और अगर हम बात करें तो लैटिन अमेरिका के देश, साउथ अमेरिका के देश जिसमें कि पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, या अफ्रीका की हम बात करें जायरे, कंबोडिया, रवांडा, माली, नाइजर, चाड, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, ये सब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सब जो गरीब देश हैं। इधर हम आते हैं साउथ, इधर हम आते हैं एशिया में ईस्ट एशिया की तरफ जिसमें कि होता है वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, या फिर हम मिडिल ईस्ट में चले जाएं वहाँ पर जो इजिप्ट है, इराक है, सीरिया, ईरान, लेबनान, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ की आबादी, बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। गरीबी रेखा मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जब कोई भी फैमिली गरीबी रेखा के नीचे रहे, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हो, जिसके यहाँ सैनिटाइजेशन जो स्वच्छता है उसका स्तर बहुत ही डाउन हो, ख़राब हो, जिनको शुद्ध पानी न मिले पीने के लिए, कंटामिनेटेड वाटर जो अशुद्ध पानी है वो उनको हो, उनको पीने के लिए दिया जाए, उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में हेपेटाइटिस होना बहुत ही आम बात है। और ये इससे पूरी दुनिया पीड़ित है। हमारे भारत में भी जो गरीब राज्य हैं जिन्हें बीमारू राज्य कहते हैं, बीमारू का मतलब होता है BIMRU, बीमारू, बी से बिहार हो गया, BI से बिहार, M से महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। तो हमारे भारत में चार राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है, बिहार, मध्य प्रदेश, जैसा मैंने बताया BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश हो गया, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस बीमारू राज्य जो चार हैं वहाँ पर भी हेपेटाइटिस के ज़्यादा केसेस होते हैं। अगर हम कंपेरिजन करें जो अमीर स्टेट हैं भारत के, जहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अच्छी है, जहाँ के का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है जनता का, जैसे कि पंजाब है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, या फिर केरला है, मणिपुर है, तो वहाँ पर ये दिक्कतें नहीं होती। हमारे यूपी, बिहार में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हेपेटाइटिस की दिक्कत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर सैनिटाइजेशन, साफ स्वच्छता, भोजन पानी की शुद्धता, शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। तो इन सब कारणों से ये हेपेटाइटिस होते हैं। In 2010, acute hepatitis A resulted in 102,000 deaths. It means 102,000 मृत्यु हुई थी, which is slightly up from the 99,000 in 1990. कहने का इनके मतलब यह है कि 1990 में जितनी मौतें हुई थी उससे ज़्यादा मौतें बढ़ गई 2010 में, 20 साल के अंदर। 1990 में जितने लोगों की मौत हुई थी हेपेटाइटिस ए से, उससे ज़्यादा मौतें हुई हैं 20 साल बाद 2010 में, और 2020 में और ज़्यादा ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि हेपेटाइटिस ए की
जो एचआईवी हेपेटाइटिस ए वायरस का जो प्रकोप है वो ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इसका कारण सिर्फ एक है, पुअर सैनिटाइजेशन और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अशुद्ध भोजन और पानी, और जो सैनिटाइजेशन है, साफ स्वच्छता है, वो बहुत ही खराब स्थिति में होना। ओके, ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है, हेपेटाइटिस ए वायरस कैसे फैलता है। कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड, मैंने बताया, अगर कोई कंज्यूम करता है, कोई उपभोग करता है वाटर और फूड का जो कंटामिनेटेड है, अशुद्ध है, तो इससे ये हेपेटाइटिस ए वायरस, एचएवी वायरस से वो पीड़ित हो जाता है और उसे हेपेटाइटिस ए हो जाता है। इसी तरह कंटामिनेटेड हैंड्स, जो अशुद्ध हाथ है, उस अशुद्ध हाथ से भी ये ट्रांसमिशन होता है, ये ट्रांसमिट होता है, फैलता है हेपेटाइटिस ए वायरस, और हेपेटाइटिस ए से व्यक्ति पीड़ित हो जाते हैं। जैसे आजकल ये चला है कोरोना, कोरोना से बचने, कोरोना एक आइडियल एग्जांपल है, क्योंकि अभी ये कोरोना का जो है, ये आसपास इन्फेक्शन फैला हुआ है, हमें पता है पूरी दुनिया से पीड़ित है, 4 लाख लोग अब तक मर चुके हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और लगभग 4 लाख लोग अब तक मर चुके हैं, भारत में लगभग 7,000 लोगों की मौत हुई है। तो ये कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करते हैं, आप हाथ को बार बार क्या करते हैं, धोते हैं, सैनिटाइज करते, सैनिटाइज़र का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वायरस जो है वह हैंड के थ्रू ट्रांसमिट ना हो, स्प्रेड ना करें। यही हालत, यही चीज़ हम एचआईवी वायरस में भी करते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये कोरोना वायरस किसी को इन्फेक्ट कर देगा और उसे कोविड-19 बीमारी हो जाएगी। दूसरे, फिर अगला है सेक्सुअल कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्शस इंडिविजुअल। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस ए हुआ है और उससे सेक्सुअल कांटेक्ट रखा जाए बिना किसी प्रिकॉशन का, बिना किसी प्रिकॉशन का मतलब यहाँ पर जो फिजिकल बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स मीन्स कंडोम्स वगैरह हैं, बिना कंडोम्स के अगर सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए तो इससे भी हेपेटाइटिस ए वायरस क्या होता है, फैलता है, स्प्रेड करता है, ट्रांसमिट होता है वो। अगला है प्रिवेंशन, कैसे हम हेपेटाइटिस ए से बच सकते हैं। गाइस, हेपेटाइटिस ए से बचने का यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने दिया है। पहला पॉइंट है वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम टॉयलेट यूज करने के बाद हम जब बाहर आए तो अपने हाथ को हम साबुन से उसको अच्छी तरह से साफ करें, उससे हम और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ सिर्फ टॉयलेट से बाहर आने के बाद नहीं, खाना खाने के बाद, सॉरी, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और आप जब कभी भी घर के बाहर गए और वापस घर में आए तब भी हाथ धोना चाहिए। ये सब अच्छे आदतें जो हैं हमारी भारतीय संस्कृति में जो बताया गया है, उसका पालन करने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि अगर मैं फिर बात करूं तो, अगर मैं फिर कोरोना पर जाऊं तो, अगर आप देखिए कि आज लोग बात कर रहे हैं कि शाकाहार को अपनाइए, क्योंकि जो रेड मीट होता है, मीट्स की वजह से कोरोना फैला है, मांस खाने की वजह से कोरोना फैला है, रेड मीट, और रेड मीट से बीमारियां फैलती हैं। चमगादड़ का सूप जो चाइना में पीते थे लोग, वुहान में, उससे ये फैला है। और हमारी भारतीय संस्कृति कहती है शाकाहार को अपनाइए, हाथ धो हाथ बार बार हाथ धोना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, लोग जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति मर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि इनको जला दिया जाए, क्योंकि दफनाने से क्या होता है कि प्रॉपरली वो वायरस समाप्त नहीं होता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति भी कहती है कि डेड बॉडी को जलाना चाहिए। तो डेड बॉडी को जलाना, हाथ धोना, शाकाहार को अपनाना, ये हमारा इंडियन कल्चर कहता है। तो इंडियन कल्चर को गाइस फॉलो करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि टॉयलेट से बाहर आने पर हाथ धोइए साबुन से। सेकंड है ओनली ईट क्लीन्ड एंड वॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। सब हमेशा धोया हुआ साफ जो फल हैं, सब्जियां हैं, उसको खाना चाहिए। ओनली ईट कुक्ड फूड, हमेशा तला, हमेशा जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पका हुआ भोजन ही खाना चाहिए। देखिए एक चीज़ याद रखिए, हमारा इंडियन हेल्थ सिस्टम है, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है, 5 साल तक 7 टीके लगते हैं,
आई एम सॉरी, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा तो, उसको देख लीजिएगा फिर से, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। 5 साल में 7 टीके लगते हैं और इसके अतिरिक्त हेपेटाइटिस का टीका भी लगता है और ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर वैक्सीनाइजेशन प्रॉपरली किया गया है बच्चों का, उनको BCG का टीका लगाया है, उनको DPT का बूस्टर डोज लगाया गया है, उन्हें मिजल्स का टीका लगा है, उन्हें OPV पिलाया गया है, उनको पोलियो का टीका बार बार लगता है, समय से लगता है, टिटनस का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस टॉक्साइड का टीका लगता है जिसे हम DPT कहते हैं, DPT के कई सारे डोज लगते हैं, बूस्टर डोज भी उसमें शामिल है, मिजल्स जैसा मैंने बताया है 9 महीने पर लगता है। तो इसी के साथ साथ हेपेटाइटिस का टीका भी लगता है, जिसका टीकाकरण हुआ है, जिसका वैक्सीनाइजेशन किया गया है हेपेटाइटिस का, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, प्रिवेंशन इससे होता है हेपेटाइटिस ए बीमारी होने से। नेक्स्ट मैंने जो स्लाइड लगा रखी है वो है ट्रीटमेंट की, कैसे हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट किया जाता है। गाइस, हेपेटाइटिस ए को मैं इसलिए इतना ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हेपेटाइटिस ए के मरीज समाज में बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा सिर्फ क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि कंटामिनेशन, जैसा मैंने बताया, कंटामिनेटेड फूड और वाटर को कंज्यूम करना और पुअर सैनिटाइजेशन, ये इसका बहुत बड़ा कारण है कि हेपेटाइटिस ए के मरीज समाज में बहुत ज़्यादा हैं। ट्रीटमेंट, There is no treatment specifically for hepatitis A. याद रखिए guys, इस बात को समझिए, hepatitis A का कोई ऐसा नहीं कह सकते रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज का मतलब कोई एक टेबलेट खाया और हेपेटाइटिस ए से मुक्त हो गए, क्योंकि वायरस जो है बहुत परेशान करता है। अब तो ऐसा हो गया है कि अगर हम, और दिन ब दिन हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती जा रही है, हम जो पहले फर्स्ट ग्रेड का एंटीबायोटिक खाते थे, फिर सेकेंड ग्रेड खा रहे हैं, थर्ड ग्रेड का एंटीबायोटिक खाने लगे हैं, हम फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक खाते हैं, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक खाते हैं, मैक्रोलाइड्स खाते हैं, ठीक है, हम एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटीएमेबिक दवाएं खाते हैं, एंटी प्रोटोजोअल खाते हैं, तो इतना सब दवाएं लेने से हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो चुकी होती है। एक निश्चित उम्र के बाद छोटी से छोटी भी समस्या बड़ी समस्या बन जाती है। यहाँ हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो चाहे आप कितना भी विटामिन खाइए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल साल्ट्स युक्त भोजन करिए, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए, लेकिन अगर हेपेटाइटिस आपको हो गया तो इसका कोई स्पेसिफिक परमानेंट कोई बिल्कुल सही लाइन लेंथ वाली दवा, सही लाइन लेंथ वाला ट्रीटमेंट अभी आज तक नहीं हुआ है। डॉक्टर्स तरह तरह की दवाएँ देते हैं लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सही लाइन लेंथ, सही ट्रीटमेंट, सही लाइन लेंथ से सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सही लाइन ऑफ ड्रग्स जो हम यूज करें उससे हेपेटाइटिस से ठीक हो जाए, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। द डॉक्टर विल एडवाइज द पेशेंट टू एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल एंड ड्रग्स ड्यूरिंग द रिकवरी। ये तो कॉमन सेंस है कि जब भी हम किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं और दवा खाते हैं, उस दौरान अगर जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकर्स हैं, वो ड्रिंक को छोड़ दें और दवाओं को प्रॉपरली लेते रहें जिससे कि उनकी रिकवरी अच्छी तरह हो जाए। लेकिन इस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आज अभी भी हेपेटाइटिस ए का उपलब्ध नहीं है। द मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट विथ हेपेटाइटिस ए विल रिकवर स्पॉन्टेनियसली। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं है, बहुत सारे लोग अपनी इम्यूनिटी के कारण ही सही होते हैं और अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो अपना जो तरीका उनका है जीवन जीने का, अगर उसको बदलते हैं, वो सही तरीके से जीवन यापन करते हैं सफाई से, स्वच्छता से, तो इसी से वो ठीक होते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने से और जो बीमारी का कारण है उस कारण को दूर करने से ही बीमारी दूर होती है, कोई सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगा रखा है, ये पिक्चर हंसने के लिए नहीं है, ये पिक्चर एक सिंबल है, एक सिंबॉलिक पिक्चर है जो ये बताती है कि किस तरह से बच्चों को स्कूल में वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत
टीकाकरण किया जाता है। ये सारे बच्चे आप देख सकते हैं, इसमें हर रेस के, हर जाति नस्ल के बच्चे हैं, चाहे वो निग्रो हों, हिस्पैनिक हों, एशियन हों, अफ्रीकन हों, या वाइट कलर्ड हों, सारे बच्चों को वैक्सीनाइजेशन ज़रूरी है। और स्कूलों में, दूसरे देशों में, हमारे देश में भी स्कूलों में वैक्सीनाइजेशन होता है, पूरा एक उसका एक प्रॉपरली शेड्यूल है। हमारी आशा बहनें जो गांव-गांव में तैनात हैं, वो उनकी देखरेख में ये होता है। तो यहाँ पर एक सिंबल बनाया गया है, बच्चों को हेपेटाइटिस का टीकाकरण दिया जा रहा है, उन्हें हेपेटाइटिस का टीका मीन्स उन्हें हेपेटाइटिस का जो वैक्सीन है, इंजेक्शन है, वो लगाया जा रहा है। अगली बीमारी हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। ये बहुत ही डेंजर बीमारी है। देखिए, जितनी भी हेपेटाइटिस की बीमारियां हैं, ए बी सी डी ई और जी, ये सभी हेपेटाइटिस की बीमारियों में दो बीमारियां बहुत ही डेंजर हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि एक हॉस्पिटल में जाँच होती है जिसे हम कहते हैं VMT। VMT का होता है वायरल मार्कर टेस्ट, 1200 रुपये की जाँच होती है। आप देख लीजिएगा गाइस, पैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1200 रुपये की जांच होती है। कई सारे हॉस्पिटल हमारे दिल्ली मुंबई में जो 10-10 हज़ार रुपये तक लेते हैं, और देने वाले देते भी हैं, वो 10 तरह का बहाना बना कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जांच में हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना ख़राब है कि इन्वेस्टिगेशन हो या फिर मेडिसिन हो या फिर कंसल्टेंट से मिलना हो, कंसल्टेंट की फ़ीस जो है, इन सब में बहुत सारे घपलेबाजी होती है। एक गरीब आदमी को प्रॉपरली दवा और उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, इस कारण भी बीमारियां बढ़ती हैं समाज में। कोई गरीब आदमी ज़्यादा पैसे देकर अपना इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच नहीं करा सकता बीमारी की, दवाएं नहीं ले सकता, इस कारण भी बीमारियां समाज में फैलती हैं। हेपेटाइटिस भी, जैसा मैं बता रहा था, हेपेटाइटिस से संबंधित एक जाँच होती है VMT, वायरल मार्कर टेस्ट जिसे बोलते हैं। इसमें 3 जाँचें होती हैं। पहला होता है एच आई वी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। दूसरा है HBsAg, यह हेपेटाइटिस बी वायरस की जांच होती है। तीसरा है HCV हेपेटाइटिस सी वायरस की जांच है, हॉस्पिटल में ये होता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी जो है, दोनों ही बहुत ही खतरनाक होते हैं। दोनों में फ़र्क ये होता है कि हेपेटाइटिस सी जिसको होता है उसको देर सवेर मर जाना है, सिरोसिस ऑफ लीवर से, लीवर कैंसर से। लेकिन हेपेटाइटिस बी में देखा गया है कि जो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं, वो हेपेटाइटिस सी से पीड़ित व्यक्ति की तरह बहुत कम उम्र में नहीं मरते हैं, बहुत जल्दी नहीं मरते हैं। कहने का मतलब, जैसे आज कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है और दूसरा व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है, तो हेपेटाइटिस सी वाला व्यक्ति की मौत जल्दी होगी, हेपेटाइटिस बी वाला सर्वाइव कर सकता है लंबे समय तक, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वाला जो व्यक्ति, हेपेटाइटिस बी जो वायरस है, वो उसका असर कई साल तक धीरे धीरे होता रहता है, और उस दौरान जो लीवर है वो उसकी क्षति होती रहती है। एक फिल्म स्टार हैं अमिताभ बच्चन, आप सभी जानते होंगे, वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं, और वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित थे 1983-84 में। तो कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है तो वो मर नहीं जाता है, वो लंबे समय तक जीता है, लेकिन वो झेलता है। समय समय पर उसे लीवर से संबंधित समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, समय के साथ साथ उसका लीवर क्षतिग्रस्त होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि उसका लीवर का 1.4 हिस्सा ही बचा रहता है। बहरहाल, हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। इज एन इन्फेक्शस डिजीज कास्ट बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस HBV। ओके, हेपेटाइटिस बी फैलाने वाला जो वायरस है उसका नाम है HBV, विच अफेक्ट द लीवर, जो लीवर को अफेक्टेड करता है। वी नो दैट वेरी वेल। इट कैन काज बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। हमें पता है, जैसा मैंने बताया, हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन होता है वो एक्यूट और क्रोनिक दोनों प्रकार का होता है। इसकी डिस्कवरी 1970 में। द हेपेटाइटिस बी वायरस कैन सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी फॉर एट लीस्ट 7 डेज। याद रखें, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो बॉडी के बाहर 7 दिनों तक जीवित रह सकता है। हेपेटाइटिस बी वाला वायरस, जिसे हम HBV कहते हैं, ये बॉडी के बाहर 7 दिनों तक
जीवित रह सकता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द वायरस कैन स्टिल कॉज इन्फेक्शन इफ द इंटर्स द बॉडी ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द वैक्सीन. अब याद रखिए गाइस कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी की शिकायत है और उसका और किसी कारणवश उसके ब्लड के कारण या किसी कारणवश वायरस अगर उसकी बॉडी के बाहर आ गए तो वो 7 दिन तक जीवित रहते हैं. और इन 7 दिनों के दौरान यदि वो किसी सेकंड व्यक्ति के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उसको भी वो पीड़ित कर देते हैं. मैनी पीपुल हैव नो सिम्टम्स ड्यूरिंग द इनिशियल इन्फेक्शन. इस चीज़ को याद रखिएगा जब किसी व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे हमारे पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं मैंने देखा है कि वो लापरवाही से इंजेक्शन वगैरह देते हैं वो लापरवाही से इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं और कई बार नीडल उन्हें चुभ जाती है. वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं टेंशन में हो जाते हैं कि कहीं उनको हेपेटाइटिस ना हो जाए. और ये मूर्खता है कि कल उनको निडल चुभी है किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते समय हमारे पैरामेडिकल स्टूडेंट को और वो आज जांच करा रहा है हेपेटाइटिस का. अरे नहीं पता चलेगा कल किसी को निडल चुभा है तो आज नहीं पता चलेगा कि वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो गया या निगेटिव है. इतनी जल्दी पता नहीं चलता है. ओके और यहाँ पर जैसा लिखा गया है कि साइन एंड सिम्टम जो है उसका आने में बहुत समय लगता है. वो तुरंत इस इनिशियल स्टेज में तुरंत वो साइन सिम्टम शो नहीं करेगा. मैनी पीपल हैव नो सिम्टम्स ड्यूरिंग द इनिशियल इन्फेक्शन. ओके इन 2000 ये वही पुरानी बात है कि 2004 में कितने लोग मरे हैं ये एक इसने डाटा दे रखा है WHO का. द कॉम्प्लिकेशन रिजल्ट इन डेथ ऑफ 15-25% ऑफ दोज विथ क्रोनिक डिजीज. देखिए इसमें लिखा है कि 15-25% व्यक्तियों का कॉम्प्लिकेशन जो है वो मौत है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बीमारी काफ़ी क्रोनिक जब होती है तब मोर देन ये डाटा दिया गया है 780,000 इन्होंने लिखा है पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी इंक्लूडिंग सिरोसिस एंड द लिवर कैंसर. गाइज मैंने पहले बताया कि हेपेटाइटिस अगर किसी को होता है तो वो कैसे मरता है? क्योंकि ये बीमारी हेपेटाइटिस बीमारी आगे बढ़ती है डेवलप करती है और ये सिरोसिस ऑफ लिवर बीमारी हो जाती है या फिर लिवर कैंसर हो जाता है. और इस बीमारी से एक डाटा है WHO का कि लगभग 780,000 लोग हर साल पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी बीमारी के कारण मरते हैं और इसमें ज़्यादातर उनकी संख्या ज़्यादा है जो इससे क्रोनिक जिनका ये क्रोनिक कंडीशन था और वो क्रोनिक कंडीशन ये झेल रहे थे लंबे समय से हेपेटाइटिस बी का. कैसे हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन होगा, कैसे ये बढ़ता है, कैसे फैलता है? द हेपेटाइटिस बी इज़ अ ब्लड बॉर्न वायरस. हमें पता है कि बहुत सारी बीमारियां क्या हैं, वाटर बॉर्न है, जो जल से जिनका जन्म जल से होता है. जैसे कि हम कह सकते हैं जल से संबंधित बीमारियां जिसमें कि होता है टाइफाइड वगैरह होते हैं. ओके और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जल से संबंधित होती हैं. इसी तरह वाटर बॉर्न डिजीज होती है, एयर ड्रॉपलेट से बीमारियां फैलती हैं जिसमें कोरोना में क्या है एयर ड्रॉपलेट से बीमारी फैल रही है इसीलिए मास्क लगाने के लिए बोला जाता है. तो हेपेटाइटिस बी वाला जो व्यक्ति है जो पीड़ित है अगर वो खांसी करेगा तो उससे हेपेटाइटिस नहीं हो सकता क्योंकि ये हेपेटाइटिस बीमारी देखिए ध्यान से सुनिए बी कंसंट्रेट. हेपेटाइटिस बी से पीड़ित व्यक्ति अगर खांसी करता है तो उसके खांसी से हेपेटाइटिस किसी अन्य व्यक्ति को नहीं हो सकता क्योंकि ये एयर ड्रॉपलेट से नहीं होता है, ये होता है ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, ये रक्त के मिलने से होता है. ओके स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट विथ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ऑर्गन्स. मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको किसी हेपेटाइटिस बी से पीड़ित व्यक्ति का नेडल चुभ गया तो जाहिर सी बात है कि जिसको चुभा है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा. तो नेडल वगैरह एक्सीडेंटली चुभने से ये बीमारी फैलती है हेपेटाइटिस बी का. इसीलिए कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से पीड़ित होता है तो बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ उसको दवाएँ वगैरह देनी चाहिए, इंजेक्शन लगाना चाहिए ताकि वो नेडल गलती से चुभ ना जाए. जिसको चुभेगा उसको भी वो बीमारी हो जाएगी. स्प्रेड थ्रू सेक्सुअली एक्टिविटी.
हमें पता है वायरस ज़्यादातर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी फैलते हैं और हेपेटाइटिस बी भी इसमें शामिल है। जैसे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं जिसे हम कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें है गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी, एचसीवी, एचबीवी। ओके, नेक्स्ट है कैन बी पास्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। कोई माँ है, गर्भवती माँ है और वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है तो उसके बच्चे में भी ये ट्रांसमिट कर जाएगा, फैल जाएगा। हमें पता है ना, हम टीवी पर देखते हैं एचआईवी के संबंध में आता है, ऐड आता है टेलीविज़न पर एचआईवी से संबंधित, उसमें कहा जाता है कि खांसने से, छींकने से या गले मिलने से, इससे क्या होता है, एचआईवी नहीं फैलता है। एचआईवी कैसे फैलता है, एक्सीडेंटली निडल चुभने से या फिर सेक्सुअल बिना किसी प्रिकॉशन के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से या फिर माँ से बच्चे में। तो ये माँ से बच्चे में जो एचआईवी फैल रहा है उसी तरीके से हेपेटाइटिस बी भी फैलता है, हेपेटाइटिस सी भी फैलता है मदर से बच्चे में गर्भावस्था के दौरान। कैन बी पास्ड बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम्स विद एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, टूथब्रश, रेजर्स, नेल्स, क्लिपर्स, नीडल्स, ड्रग्स, स्नोपिंग। इनके कहने का मतलब है ड्रग्स स्नॉर्टिंग इक्विपमेंट। देखिए, हेपेटाइटिस बी अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो ब्लड से धीरे धीरे कई बार, देखिए जैसे हेपेटाइटिस सी है वो क्या है कि वो एक निश्चित समय के बाद ब्लड के अतिरिक्त पसीने वगैरह से भी फैलता है। हेपेटाइटिस बी में क्या है कि मना किया जाता है कि आप उस जो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है उसके टूथब्रश को यूज मत कीजिए। ये तो कॉमन सेंस है, किसी का टूथब्रश यूज नहीं करना चाहिए चाहे उसे हेपेटाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो यूज करते हैं, उनको अच्छा लगता है, ठीक है। एक ब्रश से दो लोग, तीन लोग, चार लोग, दस लोग भी करते हैं हमारे देश में मंजन। तो ऐसा न करें, हेपेटाइटिस बी से जो पीड़ित है उसका ब्रश यूज ना करें। हो सकता है कि उसके मुंह में पायरिया हो, ब्लीडिंग हो रही है उसके मुंह से और वही ब्रश आपने यूज किया और वो कहीं कट गया आपके मुंह से, मैं किसी गम वगैरह में छिल गया, तो ब्लड कॉन्टेक्ट इनडायरेक्ट बन ब्लड कॉन्टेक्ट से ये हो जाएगा। कपड़ा आपने पहना और उससे अगर आपको किसी तरह का कोई चोट लगा है और उस आपने कपड़ा पहन लिया हेपेटाइटिस बी से पीड़ित व्यक्ति का, तो अगर उसमें उसका ब्लड लगा हुआ है और वो ब्लड आपके घाव पर लगता है तो इस तरीके से भी ये फैलते हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए, अपना कपड़ा ही पहनिए, अपना टूथब्रश यूज कीजिए। अगला है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कैसे हम हेपेटाइटिस बी को रोकथाम करें। ओनली यूज क्लीन सिरिंजिंग दैट हैव नॉट बीन यूज्ड बाय एनीवन एल्स। हमारे देश में, गांव-गांव में, बल्कि शहरों में, और मैंने देखा है पर्सनली कि बड़े डॉक्टर हैं, बड़ा हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं बता सकता लेकिन मैंने देखा है पर्सनली कि बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं, हॉस्पिटल है, लेकिन क्या है कि हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन लगाया जाता है किसी को और बाद में गर्म पानी से केवल धोकर दूसरे को भी इंजेक्शन लगा दिया जाता है। मैंने ऑब्जेक्शन किया और इस कारण थोड़ा सा स्थिति वहाँ पर काफ़ी क्लैश हो गई, काफ़ी टेंशन वाली हो गई और मैं उस जगह से हट गया पर्सनली। मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया था जहाँ पर ये सारी दिक्कतें होती थी, जहाँ पर मेडिकल नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। मैं पर्सनली उस हॉस्पिटल से हट गया। तो मैंने अपने लाइफ में देखा है ऐसे हॉस्पिटल को जहाँ पर डॉक्टर एक ही इंजेक्शन से, एक ही सिरिंज से 10-20-25 लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, आईएमबी आईवीबी, तब तक यूज करते हैं जब तक कि वो निडिल ख़राब ना हो जाए, आईएम लगाने लायक ना हो जाए। और उसको कैसे यूज करते हैं, सिर्फ 10 सेकंड गर्म पानी में डुबा देते हैं, उसके बाद फिर से वो यूज करने लगते हैं। तो ऐसा गांव में, शहर में, कहीं पर भी हो सकता है, मेडिकल निग्लिजेंसी जो है, लापरवाही, वो कहीं पर भी हो सकती है। तो आप अगर जाते हैं या आपकी फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटल जाता है, ईश्वर न करें अगर आप या आपके फैमिली का कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल किसी कारणवश जाता है, किसी छोटी बड़ी बीमारी के कारण,
ईश्वर न करें ऐसा हो किसी के साथ, तो ये ध्यान देना चाहिए कि जो सिरिंज यूज हो वो बहुत ही स्टरलाइज्ड हो और बिल्कुल पैक्ड हो, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और एक पैरामेडिकल स्टाफ होने के कारण हम लोग मेडिकल से जुड़े हैं, ये हमारा दायित्व है कि हम किसी को स्टरलाइज इंजेक्शन, शुद्ध इंजेक्शन, साफ़ इंजेक्शन ही लगाएं, और साफ इंजेक्शन ही जो हम उम्मीद करते हैं अपनी फैमिली को, हमारी फैमिली को जैसा निडल और इंजेक्शन लगे, जो हम उम्मीद करते हैं हमारी फैमिली के साथ जैसा व्यवहार हो, वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। तो मेडिकल नेगलिजेंसी के बहुत सारे चांसेस हैं, गलत तरीके से नेडल लगाने से, हेपेटाइटिस सिरिंज लगाने से, इंजेक्शन यूज करने से हेपेटाइटिस बी बहुत तेज़ी से फैलता है, और इसके फैलने का ये बहुत बड़ा मेजर रोल है। डू नॉट शेयर टूथ ब्रश रेजर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि रेजर्स नहीं करना है, शेविंग करने के लिए रेजर्स और टूथब्रश यूज नहीं करना है इन्फेक्टेड व्यक्ति का। हैव ए हेपेटाइटिस बी सीरीज ऑफ शॉट्स इफ़ यू आर अ रिस्क, ओके। ओनली यूज ऑफ स्टरलाइज इक्विपमेंट, ये हमें पता है कि स्टरलाइज इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए, स्टरलाइजेशन क्या होता है हमें पता है। फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम, आई रिपीट अगेन, लिसन बी केयरफुल, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन। और स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, स्टरलाइज्ड कपड़े यूज करने चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, पेशेंट के लिए जो हम कपड़े देते हैं वो स्टरलाइज होना चाहिए। और अब तो ऐसे कपड़े पेशेंट को पहनाए जाते हैं जो कि डिस्पोजल हो जाते हैं, जो कि पेशेंट के साथ ही उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, पेशेंट ने छुट्टी ले ली अस्पताल से, फिर उसके जो कपड़े हैं उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो डिस्पोजेबल आइटम, अब हर आइटम, किसी ज़माने में इंजेक्शन वगैरह शीशे के आते थे, अब ऐसा नहीं है, अब स्टरलाइज इंजेक्शन आते हैं और उसको डिस्पोज किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगला है प्रैक्टिस सेफ सेक्स। देखिए, सेक्स की बार बार बात हो रही है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग स्थिति को, परिस्थिति को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सेक्स इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, ओके। जो ह्यूमन है, गाइस हम बात कर रहे थे स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी, ये एसटीडी से संबंधित है, जो बिना किसी प्रिकॉशन का सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, रखते हैं किसी इन्फेक्टेड पेशेंट से, उनको ये हो जाता है। हम सभी अवेयर हैं, हम सभी जानकार हैं, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को बालिग कहा जाता है, और 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो है उसको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि उसका क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो गाइज, मैं ये बात कर रहा था कि हम सभी जानकार हैं, जागरूक हैं, तो जब कभी भी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हॉस्पिटल में आए तो उनको, चाहे किसी भी कारणवश उनको हेपेटाइटिस की बीमारी हुई हो, ओके, वो हमेशा, देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारे मेडिकल लिटरेचर में एक बात कही गई है, वो है, वो ये है कि मरीज को डॉक्टर से कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, ओके। मेडिकल लिटरेचर में एक सिद्धांत है कि मरीज को डॉक्टर से, मेडिकल स्टाफ से कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। कई बार क्या है, मरीज छुपाता है कि उसको सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के कारण हेपेटाइटिस की दिक्कत हो गई है, वो कहता है नेडल के कारण हुआ है, ये है वो है, बहुत सारी बहाने बनाता है। तो एज ए मेडिकल स्टाफ ये ड्यूटी है कि पेशेंट के माध्यम से हम एक तरह से सोसाइटी को अवेयर करें कि जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, देखिए मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और एचआईवी, ये जो तीनों खतरनाक वायरल डिजीज़ हैं जिनका आज अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है, जिससे बहुत सारे लाखों लोग मरते हैं हर साल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी, ये किसी ज़माने में मेडिकल नेगलिजेंसी के कारण ये चीज़ें फैलती थी। आज भी कहीं कहीं मेडिकल नेगलिजेंसी के कारण एचआईवी
और HBA हेपेटाइटिस भी हेपेटाइटिस सी हो जाता है, कहीं किसी मेडिकल स्टाफ की गलती के कारण नेडिल इन्फेक्टेड नेडिल किसी दूसरे को लगा दिया गया, किसी इन्फेक्टेड मरीज से किसी सामान्य व्यक्ति को लगा दिया गया। मेडिकल निग्लिजेंसी होती है, हमारे देश में भी होती है, दुनिया में होती है, आज भी होती है, लेकिन अब समय बदल चुका है, अब मेडिकल निग्लिजेंसी वाली बात उतनी नहीं रह गई है। अब ये सारी बीमारियां जो वायरल फैल रही हैं, हेपेटाइटिस बी सी और HIV, वो 95% सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण ही फैल रही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, और एज ए मेडिकल स्टाफ ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अवेयर करें मरीज से, हर चीज़ को, हर जानकारी को लेने के बाद मरीज की जब हिस्ट्री हम लें, पेशेंट की हिस्ट्री लें, तो उससे सारी जानकारी लेने के बाद हम सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाएं, जिससे कि लोग जागरूक हों और जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से हेपेटाइटिस फैल रहा है वो ना हो। अगला है, कैन बी पास्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ये हमें पता है, जैसे हेपेटाइटिस ए में वैसे बी में भी माँ से बच्चों में फैलता है। कैन बी पास्ड बाई शेयरिंग पर्सनल आइटम्स विद एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, टूथब्रश, रेजर्स, नेल क्लिपर्स, निडल्स, ड्रग, स्नॉर्टिंग इक्विपमेंट। वही सारी चीज़ें हैं जो रिपीट की गई हैं। हेपेटाइटिस ए में जैसे फैलता है वो हेपेटाइटिस बी में भी वैसे ही फैलता है, जब आप पर्सनल आइटम्स को यूज करते हैं इन्फेक्टेड मरीज का। प्रिवेंशन इसी से संबंधित है। तो गाइस, हमने बात किया हेपेटाइटिस का, उसके बाद हमने इसका ट्रांसमिशन भी एक बार फिर से देख लिया, प्रिवेंशन के भी हमने बात कर लिया है कि पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल इक्विपमेंट्स को, पर्सनल आइटम्स को इन्फेक्टेड पेशेंट का यूज ना किया जाए, सैनिटाइजेशन रखा जाए, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ना हो इन्फेक्टेड मरीज से, इन्फेक्टेड पेशेंट से, इन्फेक्टेड व्यक्ति से, और सबसे ज़रूरी चीज़ है जैसा कि इसमें लिखा है, ओनली यूज़ क्लीन सिरिंजिंग की यूज किया जाए। तो ये जो प्रिवेंशन है हेपेटाइटिस का, जो प्रिवेंशन है ये सभी पर अलाउड होगा, चाहे वो ABCDEG सभी पर ये अलाउड होगा। ये चार पॉइंट समय से याद रखिएगा, एग्जाम आता है, ये चारों पॉइंट आपको लिखना है। पहला, सिरिंज का सही इस्तेमाल करें। दूसरा, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के कारण फैलता है तो सेफ सेक्स, सुरक्षित सेक्स होना चाहिए प्रिकॉशन के साथ, और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से प्रायः बचना चाहिए जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनसे। हालांकि किसी को पता नहीं होता कि अगला जो पार्टनर है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, इसलिए प्रिकॉशन का यूज करना चाहिए। तीसरा है इसमें कि पर्सनल आइटम्स जो हैं इन्फेक्टेड पेशेंट का, उसको यूज नहीं करना चाहिए। और चौथा जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि स्टरलाइज इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए। ये सारी प्रिवेंशन में आते हैं। अब गाइस, बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। यह हेपेटाइटिस सी के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है अबाउट 150 मिलियन पीपल आर क्रॉनिकली इन्फेक्टेड विथ HCV। ओके, अबाउट 10 times हायर देन HIV। जितने मरीज हैं दुनिया में HIV वाले, उससे ज़्यादा मरीज HCV वाले हैं। मोर देन 350,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है एक साल में हेपेटाइटिस सी के कारण। याद रखिए, हेपेटाइटिस सी के कारण 350,000 लोग एक साल में मरते हैं। हेपेटाइटिस सी सबसे ख़राब बीमारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, फैलता है, और इसमें जो पेशेंट जो इससे पीड़ित है वो हेपेटाइटिस बी की तरह लंबे समय तक सर्वाइव नहीं रह सकता। ठीक है, इस बात को समझिए, हेपेटाइटिस सी से पीड़ित व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से पीड़ित व्यक्ति की तरह लंबे समय तक सर्वाइव नहीं रह पाता है। द हेपेटाइटिस सी वायरस इज अ ब्लड बॉर्न वायरस, वी नो दैट वेरी वेल। इट इज अ मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू इंजेक्शन है, सिरिंज के बारे में बताए हैं। उसके बाद फिर वही चीज़ें दोहराई गई यहाँ पर, द ट्रांसमिशन ऑफ अनस्क्रीन ब्लड दैट ब्लड प्रोडक्ट्स इन हेल्थ केयर मैनिपुलेशन ड्यू टू द रीयूज और इनएडिक्वेट स्टरलाइजेशन ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट स्पेशली सिरिंज एंड अदर सिरिंज नेडल्स एंड अदर इक्विपमेंट जो कि डिस्पोजेबल हो सकता था। तो
जब किसी चीज़ को बार बार यूज किया जाए, रीयूज किया जाए, वो प्रॉपर स्टरलाइज ना हो, तो इससे ये चीज़ें फैलती हैं। और जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत है, चाहे वो ग्रुप, चाहे उसे ए पॉजिटिव की ज़रूरत है, बी की ज़रूरत है, ए बी की ज़रूरत है, ओ की ज़रूरत है, ओ पॉजिटिव की ज़रूरत है, हमें पता है बी पॉजिटिव की ज़रूरत है, तो जिसको ब्लड की ज़रूरत है और वो गया और जाकर वो बिना किसी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड लैब से, पैथोलॉजी लैब से वो ब्लड उठा लाया और जाकर उसको अपने पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ किया, तो उसमें क्या होता है कि बीमारियां होने की संभावना होती है। जब हम ब्लड बैंक से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा रन जो ब्लड बैंक है, जो सर्टिफाइड ब्लड बैंक है, जब हम उससे ब्लड को लेते हैं और अपने पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने के लिए, तो उसमें सारी जांचें होती हैं। तो जो अनसर्टिफाइड लैब से ब्लड को लेते हैं और वो ट्रांसफ्यूज करते हैं अपने पेशेंट में, तो उनको ये दिक्कतें, ये हेपेटाइटिस सी होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रिवेंशन इसका क्या है? प्रिवेंशन इसका ये है, देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देयर इज़ करेंटली नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का दुनिया में आज इस वक्त कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है अक्रॉस द वर्ल्ड। इफ योर स्किन इज टू बी पेस्ट, ओनली यूज ऑफ स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट, स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट यूज करना है। इनके कहने का मतलब ये है, डू नॉट शेयर ड्रग इक्विपमेंट, ओके, डू नॉट शेयर योर टूथब्रश, रेजर, वही सारी चीजें यहाँ पर रिपीट की गई हैं। इफ यू आर इन्फेक्टेड कवर ओपन वाउंड्स, देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब वुंड, किसी का घाव कवर नहीं होता है, तो वो मक्खियों के कारण या फिर कपड़ों से, किसी भी कारणवश वो किसी दूसरे व्यक्ति के घाव पर से टच हो सकता है, वहाँ तक फैल सकता है। और हॉस्पिटल में ये ज़्यादातर होता है कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट हैं उनको अगर एप्सिस घाव है, मान लीजिए कोई हेपेटाइटिस सी का मरीज है और वो लंबे समय तक सोने से उसको बेड सोर हो गया है, और फिर वही चादर जो है किसी नॉर्मल व्यक्ति को बिछा दी गई है, नॉर्मल व्यक्ति उस पर लेटता है और उसको उसको घाव है, उसको भी बेड सोर है, और वो उस चादर को यूज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हो जाएगा। एक चादर, ओके, एक जो हॉस्पिटल में यूज करने वाली एक चादर है, एक कंबल है, वो इन्फेक्टेड पेशेंट यूज किया और वही आपने नॉन इन्फेक्टेड को भी आपने वही दे दिया यूज करने के लिए, तो ये संभावना है फैलने की ये बीमारी, ओके। तो ये सारी प्रिवेंशन है, इससे बचना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? अ पेशेंट विद हेपेटाइटिस सी विल बी प्रिस्क्राइब्ड पेगलेटेड इंटरफेरॉन एंड रिबेविरिन, ये इन्होंने कुछ दवाओं के बारे में बताया है, और फिर ये इन्होंने बताया कि प्रिस्क्राइब करना चाहिए, इंटरफेरॉन है, रिबेविरिन है, लेकिन ये सब कुछ भी काम नहीं करता है। हेपेटाइटिस सी का कोई प्रॉपरली दवा नहीं है, कोई प्रॉपरली लाइन ऑफ ड्रग, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है जो प्रॉपरली जो क्यूरेबल हो, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा हेपेटाइटिस सी का अभी तक मौजूद नहीं है, कोई प्रॉपरली स्पेसिफिक तरीका नहीं है हेपेटाइटिस सी की बीमारी को दूर करने का। गाइस, मैं यहाँ पर ये बात फिर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हेपेटाइटिस सी, इस बात को समझिएगा, हेपेटाइटिस सी का कोई प्रॉपरली इलाज नहीं है। इलाज मीन्स कोई प्रॉपरली इसकी कोई दवा नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये वायरल डिजीज़ हमें पता है और इसमें मौत की संभावना बहुत ज़्यादा है, ये आप जानते ही हैं, जाहिर सी बात है आप जानते ही होंगे, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। द रिमेनिंग 55-85% ऑफ द पर्सन विल डेवलप क्रॉनिक SCV इन्फेक्शन, मैंने बताया ना, किसी को SCV अगर बीमारी है, SCV वायरस के कारण किसी को हेपेटाइटिस सी बीमारी है, तो HCV वायरस क्या करता है कि हेपेटाइटिस सी बीमारी को तो जन्म देता ही है, और वो लीवर जो है बहुत ही जल्द चेंज हो जाता है सिरोसिस ऑफ लीवर में, और वो सिरोसिस ऑफ लीवर फिर चेंज होता है लीवर कैंसर में, और उसमें मौत होती है 85% की। यहाँ पर 85% दिया गया है, ये मेडिकल लिटरेचर के थ्रू दिया गया है, लेकिन इस पे से हम अगर सही उसका परसेंटेज माने तो वो परसेंटेज है 100%। SCV वाला व्यक्ति कभी बचता नहीं है,
देर सवेर उसकी मृत्यु निश्चित है. ऑफ दोज विथ क्रोनिक एचसीवी इन्फेक्शन द रिस्क ऑफ द सिरोसिस ऑफ लीवर इज 55 to 33% विद इन 20 ईयर्स. एक व्यक्ति जिसको एचसीवी वायरस के कारण इन्फेक्शन हो गया है उसको सिरोसिस ऑफ लीवर भी होगा, उसको लीवर कैंसर भी होगा, और ये 20 साल के अंदर हो जाएगा. इन्होंने लिखा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल देखा गया है कि ये 5 ईयर्स 5 साल के अंदर ही वो दोनों चीज़ें हो जाती हैं. किसी को एचसीवी वायरस के कारण हेपेटाइटिस सी है तो 5 साल के अंदर ही देखा गया है कि उसको सिरोसिस ऑफ लीवर और लीवर कैंसर दोनों हो जाता है 5 साल के अंदर ही, और उसकी मृत्यु हो जाती है. अगली बीमारी के बारे में हम बात करते हैं, हेपेटाइटिस डी. हेपेटाइटिस डी के बारे में हम समझते हैं. हेपेटाइटिस डेल्टा इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस डी वायरस HDV. HDV इज अ वायरस एंड डिजीज इज हेपेटाइटिस डी. HDV इज कंसिडर्ड टू बी सब वायरल सेटेलाइट. इस वर्ड को समझिए. Because it only occurs in people already infected with hepatitis B. जिनको पहले से hepatitis B वायरस के कारण HBV वायरस के कारण hepatitis B बीमारी है, जो पहले से उसको झेल रहे हैं, उससे पीड़ित हैं, उनमें ही ये चीज़ देखने को मिलती है कि hepatitis B डी हो जाता है. ये एक सब वायरल सेटेलाइट डिजीज़ है. इसकी खोज 1977 में हुई थी. ये भी उसी तरह फैलता है, ब्लड से कंटामिनेटेड. ये भी यहाँ पर दिया गया ट्रांसमिशन में, आप देख सकते हैं, स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड ब्लड, रेयरली थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, कैन बी पास्ड बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम्स. ओके, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? यूज द सेम गाइडलाइंस एज फॉर हेपेटाइटिस बी, बिकॉज ओनली अ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी कैन बिकम इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस डी. हेपेटाइटिस बी में जो प्रिवेंशन हम अपनाएंगे वही प्रिवेंशन हेपेटाइटिस डी में अपनाएंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस डी उसी को होता है जिनको हेपेटाइटिस बी हुआ है. अगली डिजीज है हेपेटाइटिस ई. इट इज अ वायरल हेपेटाइटिस लिवर इन्फ्लामेशन. ओके, कास्ट बाय इन्फेक्शन विथ अ वायरस कॉल्ड हेपेटाइटिस ई वायरस HEV. HEV वायरस के कारण जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस ई. ओके, वायरस का नाम है HEV और डिजीज का नाम है हेपेटाइटिस ई. हेपेटाइटिस ई इज अ लिवर डिजीज. ये सारी जाहिर सी बात है, सब हेपेटिक से संबंधित है, और हेपेटिक का मतलब ये होता है लिवर. Hepatitis is a liver disease caused by the hepatitis E virus. We know that very well. Discovered in 1983. ये 1983 में इसकी खोज की गई थी. Okay. उस समय आप लोग नहीं रहे होंगे, आप लोगों का जन्म बाद में हुआ होगा, लेकिन उस समय मैं था, बहुत छोटा था, लेकिन मैं था. खैर, हम आगे बात करते हैं. यद्यपि Hepatitis is often caused an acute and self-limiting infection. It usually goes away by itself and the patient recovers, but may develop into fulminant hepatitis, acute liver failure. It bears a high risk of developing chronic hepatitis in immune-compromised patient with substantial मोर्टेलिटी रेट. हेपेटाइटिस ई जनरली क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है. इम्यूनिटी पावर डिस्टर्ब होने से ये इस वायरस का इफेक्ट होता है, इन्फेक्शन होता है, और ये हेपेटाइटिस ई से व्यक्ति पीड़ित होता है. हालांकि सोसाइटी में हेपेटाइटिस ई वायरस बहुत ही, हेपेटाइटिस ई जो बीमारी है ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ये बहुत ही यदा कदा देखने सुनने को ही मिलती हैं. ओके, और जैसा इसमें बताया गया कि हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रोनिक हेपेटाइटिस, ये जब किसी भी चीज़ का कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ काफ़ी गंभीर हो जाती है. इसीलिए इसमें बताया गया कि अगर क्रोनिक कंडीशन है तो वो कंडीशन काफ़ी अनएक्सेप्टेबल बन जाएगा. क्रोनिक कंडीशन से स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाएगी. एवरी ईयर इसमें इन्होंने कुछ दिया है, फिगर दिया है, ये फिगर WHO का फिगर है. इसमें इन्होंने बताया है कि हेपेटाइटिस ई से
हेपेटाइटिस इसे 56,600 लोग इन्होंने इसमें बता रखा है, 56,600 हेपेटाइटिस ई रिलेटेड डेथ्स इन्होंने ये बताया इसमें। चाइना हैज प्रोड्यूस्ड एंड लाइसेंस्ड इन्होंने इसमें कहा है चाइना हैज प्रोड्यूस्ड एंड लाइसेंस्ड द फर्स्ट वैक्सीन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ई वायरस इन्फेक्शन ऑल्दो इट इज नॉट येट अवेलेबल ग्लोबली। ये एक तरह का मिसकैलकुलेशन कह सकते हैं या एक तरह का हाइपोथेटिकल आइडिया कह सकते हैं या एक तरह का हम कह सकते हैं ये एक स्टेट प्रोपेगेंडा है। चीन ने दुनिया को बताया कि उसने हेपेटाइटिस ई का टीका बना लिया है वैक्सीन, लेकिन वो आज तक उसने दिखाया नहीं है, ना किसी को बताया ना किसी को दिखाया, ये उनका स्टेट प्रोपेगेंडा है। ट्रांसमिशन कैसे होता है हेपेटाइटिस सी का, जैसे पहले सबका है उसका इसमें भी वही चीज़ें होंगी। ट्रांसमिटेड मेनली थ्रू द फीकल ओरल रूट, ओके, जो स्टूल का रास्ता है और जो ओरल कैविटी हमारी है इसके थ्रू इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस ई का। हमें पता है कि हमें पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि पैपलोमा वायरस भी कई बार होता है जो कि आगे चलकर प्रोस्टेटिक कैंसर मेल के अंदर और सर्विक कैंसर फीमेल के अंदर जन्म दे देता है। तो पब्लिक टॉयलेट से दूर रहना चाहिए, हम सभी को पता है इसमें बहुत ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन का माहौल होता है। तो फीकल ओरल रूट से भी जो पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर हर तरह के मरीज आते हैं, तो उससे हेपेटाइटिस सी की संभावना बढ़ जाती है। अदर ट्रांसमिशन रूट इंक्लूड्स फूडबॉर्न ट्रांसमिशन फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स, ओके, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स, वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम अ प्रेग्नेंट वुमेन टू हर फीटस। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि माँ से बच्चे को हो जाएगा इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से हो जाएगा, और किसी चीज़ के किसी व्यक्ति के पर्सनल आइटम को यूज करना, इन सब चीज़ों से भी होता है। फूड बॉर्न डिजीज, ये जो फूड बॉर्न ट्रांसमिशन है इसके द्वारा जो होता है इंजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंजेक्शन खा लेना प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उनके उनसे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है जब हम उसको खाते हैं तो इससे भी हो जाता है, क्योंकि ये ओरल फीकल रूट से फैलने वाली बीमारी है। प्रिवेंशन कैसे करें, वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट की गई हैं। क्या क्या है, ओनली ईट कुक्ड फूड, हमें पका हुआ भोजन खाना चाहिए, वैक्सीन का यूज करना चाहिए हेपेटाइटिस सी का, हालांकि ये उपलब्ध नहीं है। ओनली ईट क्लीन्ड एंड वॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल, धुला हुआ और साफ हमें वेजिटेबल खाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट से आने के बाद हमें साबुन से हाथ धोना है, खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद हमें अच्छी तरह से हाथ धोना है, ये सारी चीज़ें हमें इसका पालन करना चाहिए। सम प्रोटेक्शंस एज हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, ये उसका पूरा उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है, एक पीछे डायग्राम इन्होंने दिया है और ऊपर एक चार्ट की तरह इन्होंने बना रखा है, चार लाइंस चार इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस डी और ई, डी के बारे में हम सभी ने बात किया है कि हेपेटाइटिस बी जिसको होता है उसी को हेपेटाइटिस डी होता है, और ई जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज है। तो यहाँ पर लिखा है देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ आइदर हेपेटाइटिस डी और ई, ओके, जिसको हेपेटाइटिस बी है उसको हेपेटाइटिस डी भी होगा, और हेपेटाइटिस ई जो जिनको होता है ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, मैंने बताया है ये लाखों में हजारों में ये केसेस होते हैं, ये बहुत ही कम देखने सुनने को मिलता है, इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम आखिरी डिजीज हेपेटाइटिस जी की। हेपेटाइटिस जी इज अ न्यूली, ये नया खोजा गया, डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑफ लीवर इन्फ्लेमेशन कास्ड बाय हेपेटाइटिस जी वायरस, HGV वायरस के कारण जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस जी बीमारी। अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस, ओके, ये कुछ सी वायरस से संबंधित चीज़ें उन्होंने बताया है।
वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड अर्ली इन 1996, ये 1996 में इसको पहले खोजा गया था. लिटिल इज नोन अबाउट द फ्रिक्वेंट ऑफ द एच जी वी इन्फेक्शन, द नेचर ऑफ द इलनेस और हाउ टू प्रिवेंट इट. ऑफ्टन फाउंड इन को इन्फेक्शंस विद अदर वायरसेज सच एज हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. ओके, इसके ये भी नया खोजा गया है 1996 में. इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है. ये भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, बहुत ही कम ये देखने सुनने को मिलता है हेपेटाइटिस जी वायरस. और ये आमतौर पर उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जो पहले से HIV या HBS हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है. सिम्टम इसका क्या होता है? सिम्टम यह है, देखिए जब हेपेटाइटिस होता है तो उसका ये साइन सिम्टम है कि आँखें जो होती हैं वो पीली होती हैं, यूरिन पीला होता है. ये तो कॉमन साइन सिम्टम है ये, जो क्योंकि हेपेटाइटिस जो है वो कई बार जॉइंडिस शो करता है, तो जो जॉइंडिस का साइन सिम्टम है वो इसमें भी वो हम इंक्लूड कर लेते हैं. तो यहाँ साइन सिम्टम यह है कि मैनी पीपल्स विथ हेपेटाइटिस डू नॉट हैव सिम्टम्स एंड डू नॉट नो. देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया है कि एसिम्प्टेमिक ये कई बार हेपेटाइटिस होता है, इसमें कोई किसी तरह का कोई लक्षण दिखाई सुनाई नहीं देता है. गाइस हम यहाँ सिम्टम की फिर से बात करेंगे. देखिए हेपेटाइटिस में जब कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर ज्वाइंडिस की भी संभावना रहती है, ज्वाइंडिस भी होता है, और ज्वाइंडिस के जो लक्षण होते हैं वो हेपेटाइटिस में उसको भी इंक्लूड किया जाता है. जैसे कि जो बकल फ्रेंजियल कैविटी है उसका जो अंदर का जो उसकी प्लेट है, बकल फ्रेंजियल कैविटी में टंग है, टंग के साइड में चिक्स के इनर मोस्ट लेयर हैं, और ऊपर जो प्लेट है जिसे हम ऊपरी तालू कहते हैं, ये पूरा बकल फ्रेंजियल कैविटी जो है वो बिल्कुल येलो कलर की होती है. आँखें येलो दिखती हैं, स्किन का कलर भी येलो होता है, यूरिन बहुत ज़्यादा येलो होता है, बिलीरुबिन डिस्टर्ब हो जाती है. जांच कराई जाती है LFT की जांच कराई जाती है, लीवर फंक्शन टेस्ट का, जिसमें SGOT और SGPT पर ध्यान दिया जाता है. इन दोनों जांचों पर तब हम डिक्लेयर करते हैं कि इनको ज्वाइंडिस हुआ है या नहीं हुआ है. तो ज्वाइंडिस एक अलग समस्या है, यहाँ हेपेटाइटिस में ज्वाइंडिस इंक्लूड हो जाता है. जिसको ज्वाइंडिस हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि उसको हेपेटाइटिस हो गया है, लेकिन जिसको हेपेटाइटिस हुआ है उसको ज्वाइंडिस उसमें इंक्लूड हो जाता है. तो यहाँ पर सिम्टम्स ये बताया गया है. देखिए यहाँ और एक चीज़ मैंने और बताया कि एसिम्प्टेमिक होता है. एसिम्प्टेमिक इट मीन्स कई लोगों को सिम्टम शो नहीं होता है, लेकिन कई लोगों का सिम्टेमिक होता है, सिम्टम शो होता है. यहाँ पर इन्होंने लिखा है मेनी पीपल विथ हेपेटाइटिस डू नॉट हैव सिम्टम्स एंड डू नॉट नो दे आर इन्फेक्टेड. बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो इन्फेक्टेड हैं क्योंकि उनको अंदर कोई सिम्टम शो नहीं होता है. If symptoms occur with an acute infection, they can appear any time from 2 weeks to 6 months affected exposure. अगर मान लीजिए कि अगर उनका जो सिम्टम है ये acute infection के कारण हो गया है, ठीक है, hepatitis acute type का है और उनका सिम्टम शो करता है, तो ये शो 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने के अंतर्गत करेगा. फिर से सुनिए, किसी को अगर hepatitis हो गया है और ये एक्यूट टाइप का है तो उनका इन्फेक्शन जो है वो 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने के अंदर शो कर देगा. लेकिन क्रोनिक में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन क्रोनिक जो इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस का, इसमें जो सिम्टम्स हैं वो शो करते हैं तो 6 महीने के बाद, इसलिए उसे क्रोनिक कहा जाता है. ये बात मैंने पहले बता दिया है. सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस कैन टेक डिकेड्स टू डेवलप. ओके, इसमें इन्होंने क्या कहा है, क्रोनिक जो वायरल है, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस है, उसका लक्षण कई दशकों में दिखाई देता है. ओके, डिकेड्स टू डेवलप, कई दशकों में वो डेवलप होता है, विकसित होता है. सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस कैन इंक्लूड्स क्या क्या हो सकता है इसमें, उसके लक्षण, फीवर, बुखार आना, फटिक, व्हाट इज फटिक, एक तरह का टायर्डनेस समझ लीजिए. यहाँ पर फ्लेटुलेंस भी होता है, गैसेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी देखने को मिला है. लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, भूख का न लगना. इसी तरह इसमें है नाजिया, नाजिया मतलब फीलिंग द वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब वोमिट कर देना. एब्डोमिनल पेन,
फिर इसमें एब्डोमिनल पेन मतलब कि जाहिर सी बात है कि जो गॉल ब्लैडर का एरिया है, जो स्टमक का एरिया है, जो हिपेटो पेनक्रियाटिक जंक्शन है, जहाँ लीवर है, ये सब हमारे एब्डोमिन एरिया का हिस्सा है, एब्डोमिनल कैविटी में सब स्थित होते हैं। तो जब लीवर में दिक्कत होती है तो पूरा एब्डोमिनल कैविटी में पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है, ऐंठन मरोड़ और दर्द होता है। डार्क यूरिन, यूरिन बहुत ही डार्क येलो कलर का होता है, ग्रे कलर स्टूल, स्टूल का कलर नॉर्मली इससे क्या हो जाएगा, चेंज होकर ग्रे कलर हो जाएगा। यदि ब्लैक होता है तो जीआई ब्लीडिंग है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, लेकिन यहाँ ग्रे कलर है, इट मीन्स यहाँ पर ये लक्षण है हेपेटाइटिस का। ज्वाइंट पेन, जो जोड़ हैं बॉडी के उनमें पेन दर्द होता है, एंड ज्वाइंटिस, ऑफ कोर्स ज्वाइंटिस हम जानते हैं ज्वाइंटिस क्या है, पीलिया है, ये भी इसका लक्षण है। हम लोगों ने इन्फ्लामेशन के बारे में देख ही लिया है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप ये लेक्चर पूरा समझे होंगे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मैं एक चीज़ दोहराना चाहता हूँ जो शुरू का है, मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में कि दो प्रकार का होता है, वायरल एंड नॉन वायरल। वायरल हमें पता है ये कॉमन होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एंड जी। नॉन वायरल में हमने बात किया था टॉक्सिक एंड ड्रग इंड्यूस्ड। कुछ लोग होते हैं जो लंबे समय तक, पिछली वीडियो में बताया हूँ, इस बार फिर बता रहा हूँ, टीबी की दवा रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटाल, 6 महीने से 9 महीने तक दवा खानी होती है, काफ़ी हैवी और स्ट्रांग दवा होती है। अब 9 महीने तक टीबी की दवा खा रहे हैं, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की दवा जीवन भर खाना है, थायराइड की दवा जीवन भर खाना है, हेपेटाइटिस है उसकी दवा जीवन भर खानी है। तो जो लंबे समय तक दवाओं का सेवन किया जाता है उस कारण भी एक तरह से लीवर में टॉक्सिसिटी होती है और लीवर का नॉर्मल फिजियोलॉजी फंक्शन वो डिक्रीज करता है, डिक्लाइन करता है और हेपेटाइटिस हो जाता है। कोरेसिव वगैरह लेने से, किसी ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है, स्प्रिट वगैरह पी लिया है, इससे भी ये हो सकता है। अल्कोहलिक, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, मैंने बताया अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लीवर आता है और वो एक तरह से उनको उनका लीवर फंक्शन टेस्ट जांच कराई जाती है तो सब कुछ सारे जो रेशियो होते हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब, वो नॉर्मल नहीं होते हैं, अब नॉर्मल होते हैं, SGOT SGPT सब डिस्टर्ब होता है। तो अल्कोहल के लंबे सेवन से भी हेपेटाइटिस होता है। ऑटो इम्यून सिस्टम, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा इम्यून के प्रति सेंसिटिव है, उनमें ये दिक्कतें होती हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है, हमें पता है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दो चीज़ें होती हैं। कैटाबॉलिज्म में भोजन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं, एनाबॉलिज्म में इसका रिवर्स बैक होता है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर हो जाए, मतलब इनकी जो नॉर्मल जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाए, इस कारण भी हेपेटाइटिस होता है। और हमें गाइस पता है कि लीवर क्या करता है, टॉक्सिसिटी को दूर करता है, ठीक है। जो बॉडी में किसी तरह की कोई टॉक्सिसिटी होती है उसको कम से कम करने का काम लीवर करता है। तो कई बार क्या होता है कि लंबे समय से जो हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये अल्कोहल भी टॉक्सिक की तरह काम करने लगता है बॉडी के अंदर, और जो व्यक्ति लंबे समय से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं ये अल्कोहल उनके बॉडी में टॉक्सिक की तरह काम करता है ब्लड के अंदर, और लीवर खुद को बचाने का पूरा प्रयास करता है, उस टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान न दे, इग्नोर करे साइन एंड सिम्टम जो लीवर दे रहा है और वो अल्कोहल का कंज्यूम करता रहे, तो उसको हेपेटाइटिस विद इन द फ्यूचर हो जाएगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे, और हेपेटाइटिस के बारे में जितनी चीज़ें बताई गई होंगी वो जाहिर वो आप उसको समझिए फिर से, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर। अगर नहीं आता है आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, या फिर कॉलेज में आप मुझसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो गाइस पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।